लेकिन सरकार का दीवाना कहता है कि दिल की नजर से देख ले जलवा रसूल का। ये दिल की नजर से देख ले जलवा रसूल का। कुरान खुला हुआ है चेहरा रसूल का। ये माना कि कमली वाली का साया नहीं, मगर हर उम्मती के सर पे है साया रसूल का। हर उम्मती के सर पे है साया रसूल का। हर उम्मती के सर पे है साया रसूल का, क्योंकि हमारे मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। बेशक। तो देखिए, ये मतलब पेश कर रही हूँ, जितने भी सरकार के दीवाने हैं, तवज्जो चाहती हूँ मैं खास करके, के मांगे खुद कौसर का जाम रखा है, क्योंकि हम गुलाम हैं, गुलामों में नाम रखा है। हमें जला नहीं सकती वो आग दोजक की, क्योंकि हमारे दिल पे मोहम्मद का नाम लिखा है। हमारे दिल में मोहम्मद का नाम लिखा है। लीजिए मतलब पेश कर रही हूँ सभी लोगों से, तब चाहती हूँ कह रहा है क्या, मैं शहर में काम आएगी निस्बत रसूल की।
की शान निराली, लेकिन आप सरकार के दीवाने हैं। देखो ये चाचा भी सरकार के दीवाने हैं, बेशक ये चाहने वाले हैं। मेरी माँ बहनों से भी तवज्जो, नबी की शान निराली, लेकिन कैसे शान निराली है? कहना है ये सोने की हवेली और ये दौलत भूल जाओगे। हाय हाय, क्या बाती, ये सोने की हवेली और ये दौलत भूल जाओगे। मेरा दावा है दुनिया की मोहब्बत भूल जाओगे। ये सोने की हवेली और ये दौलत भूल जाओगे। मेरा दावा है दुनिया की मोहब्बत भूल जाओगे, भूल जाओगे। बताओ तुम्हें क्या उस सरजमीन में पाक की अजमत, अरे मदीना देखने के बाद जन्नत भूल जाओगे। और भाई कमेटी के कितने लोग हैं, जो भी कमेटी के मेम्बरान हैं सब लोग यहाँ आ जाएं। हाँ, जितने भी छोटे बड़े जितने भी हैं, हाँ सब लोग आ जाएं। जितने भी कमेटी के मेम्बरान हैं, मैं सभी लोगों से तवज्जो चाहती हूँ, खास करके सुनेंगे और तवज्जो देंगे। कहना है क्या, ऐ चांद तू नबी की शान निराली। नबी की शान क्या निराली है, सुने। ऐ चांद तू, ऐ चांद तू, ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। दिमाग में यही रखेंगे नबी की शान निराली, लेकिन कैसे शान निराली है? ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। ऐ चांद तू चमकता है ये तेरी भूल है। खास करके सुनेंगे और आपसे भी मुखातिब होंगे, और हमारे जो पीछे साहब बैठे हैं आपसे भी मैं तवज्जो चाहती हूँ। चाचा सुने, हम पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया। हम पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया। क्योंकि ना मोबाइल काम आएगा ना टीवी काम आएगी, जो सुना रही हूँ ये काम आएगा। ना मोबाइल काम आएगा ना टीवी काम आएगी, ना ये बच्चे आराम देंगे ना बीबी काम आएगी। आएगी तुम्हारे ही कान ना में तुम्हें पहुँचाएंगे दोजख में, खुदा के सामने बस तुम्हारी नेकी काम आएगी। अब तो आ जाओ, हाँ के हम पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया, कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कर दिया।
तोहित खान साहब कांग्रेस नेता, उनकी जानिब से माशाल्लाह 100 रुपया है और हमारे भाई की जानिब से माशाल्लाह ये सरकार का सत्ता तो हुआ 101 रुपया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं आपसे भी तवज्जो चाहती हूँ, आप भी आएंगे यहाँ अपनी दुआ से नवाजे, ऐसा लग रहा है कि आप पीके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप पीके बैठे हैं। क्या बात है जो पी है, तुमने जो पी है औरों ने जो पी है वो अंगूर के दानों से बनी, वो नहीं शराब जो रात में पी के इंसान टल्ली हो जाता है, नालियों में गिर जाता है, वो वाली नहीं, मैं भी पीती हूँ। तुमने जो पी है औरों ने जो पी है वो अंगूर के दानों से बनी, अरे हमने जो पी है वो मोहम्मद के घराने से बनी।
हमारे साहब बैठे हैं चेयर पे, मैं आपसे भी तवज्जो चाहती हूँ। हेलो, शेर सुनेंगे, कहना है क्या हमारे जो तवज्जो। शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। वल हबीब भी सुने, हम सुनने मुसलमानों के दो दो है सहारे, हम सुनने मुसलमानों के दो दो है सहारे, अल्लाह भी हमारा है मोहम्मद भी हमारे, अल्लाह भी हमारा है मोहम्मद भी हमारे, अल्लाह भी हमारा है मोहम्मद भी हमारे, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मुझे बताएं कि जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है। भाई जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? जन्नत में जाना चाहते हैं आप? हाथ ऊपर करो भाई सभी लोग। हाँ इंशाल्लाह। ये आखिरी शेर दे रही हूं क्योंकि जन्नत में जो जाना चाहते हैं मैं उन लोगों से तवज्जो चाहती हूं खास करके। सुने, मैं भी जाना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं दोजख भी नसीब होगी या नहीं होगी। शेर सुने, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है, अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, जो मेरे महबूब का है वो मेरा है, जो मेरे महबूब का नहीं वो मेरा नहीं, और अल्लाह का महबूब हमारे सरकारे दो आलम है। तो सुने, जन्नत में कैसे जाएंगे तवज्जो के साथ, कहना है क्या? उन साथ को